2030 का भारत, नाम सुनते ही 2030 के भारत की कल्पना यहाँ पर चालू हो जाती है। आपके सामने लगातार हम ऐसे कुछ चेहरे ला रहे हैं जिनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 2030 तक भारत देश की क्या स्थिति रहेगी, भारत देश 2030 तक कैसा दिखेगा, क्या कल्पना की जा रही है भारत देश की, ये हम उन चेहरों से जानने की कोशिश करते हैं। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है शरबुद्दीन बेग जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी एंड वक्फ में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक और इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मैं करूंगी एक अहम सवाल के साथ, और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर कि 2030 तक आप भारत देश को कहाँ देखेंगे? यू स्नेहा जी, आपने मुझे अपने विचार इस विषय पर शेयर करने का मौका दिया, इसके लिए जी आपका, आपकी जो संस्था, उसका धन्यवाद। ये मेरे अपने विचार हैं व्यक्तिगत कैपेसिटी में। बिल्कुल। देखिए, जब हम 2030 के भारत की बात करते हैं, तो 2030 का भारत अपनी पोटेंशियल कैपेसिटी में, एक संभाव्य जो शक्ति, संभावना है भारत की, जो जी पोटेंशियलिटी है भारत की, उस दृष्टि से भारत दुनिया की जो पहली पंक्ति के देशों में दिखाई पड़ता है। जो बिल्कुल। महाशक्ति होंगी 2030 में, जो विश्व की महाशक्ति होंगी, उनमें से एक जो है पहली पंक्ति की महाशक्ति पे भारत दिखाई पड़ता है। भारत की जी जो पोटेंशियल है, जो यहाँ हमारे नेचुरल और भौतिक और मानवीय जो संसाधन है, उनकी जो जी उपलब्धता है, और उनकी उपलब्धता को लेकर के हमारे 70-80 साल का जो एक्सप्लोरेशन एक्सपीरियंस है अब तक, कि किस तरह जी से हमने जो है उसको एक्सप्लोर किया है, तो उसकी गति और उसकी जो क्वालिटी है और उसके एक्सप्लोरेशन का जो कमिटमेंट है, उसको दृष्टिगत रखते हुए और दुनिया जिस नजरिए से हमको देख रही है, एक संभाव्य शक्ति के रूप में, तो मुझे भारत जो है 2030 में दुनिया की महाशक्तियों के प्रथम पंक्ति में दिखाई पड़ता है, अग्रणी देशों में दिखाई पड़ता है। लेकिन बिल्कुल। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, इस संभावनाओं की संभावना के साथ साथ ये इन सब चीजों का बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से एक्सप्लोरेशन, और बिल्कुल ये सिर्फ सरकार के स्तर पर ना होकर के आम जी आदमी की सक्रिय और सकारात्मक सहभागिता के साथ, अगर इस सपने को ये देश देखता है, तो मैं बिल्कुल बहुत आश्वस्त हूँ और मुझे बहुत आशा है और बिल्कुल मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम जी 2030 के भारत में जो है विश्व की महाशक्तियों में से एक होंगे, बशर्ते कि यहाँ का जो मासेस है, यहाँ की जो आवाम है, यहाँ का जो यहाँ की जनता है, और यहाँ का जो हमारा एक व्यवस्था और सरकार जो है, वो मिलकर के इस सपने को देखें। बिल्कुल। 2030 2030 के भारत की हमने बात की, भारत के बारे में हमने आपसे जान ली, लेकिन क्योंकि आप राजस्थान से ताल्लुकात रखते हैं तो मैं जानना चाहती हूँ कि 2030 में तो आप राजस्थान को कहाँ देखते हैं? गरीबी, भुखमरी और शिक्षा के पैमाने पर, इन तीन सेक्टर्स में राजस्थान कहाँ होगा 2030 तक? वैसे अगर आंकड़ों की दृष्टि से देखें, तो राजस्थान इन तीनों ही पैरामीटर्स पर देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर स्थिति में है, और यहाँ अभी जो है सरकार के स्तर पर भी यहाँ एक संकल्प लिया गया है कि हम एक निश्चित अवधि में जो है इन पैरामीटर्स को, और जो हमारे विकास के जो प्रतिमान है, उसको जी आधार बना करके, और हम एक लक्ष्य निश्चित निश्चित करके, और जनता और जनता आम आदमी की जैसा सहभागिता से जो है इसको पूरा जी करने का प्रयास करेंगे। तो जहां तक पावर्टी की बात है, पावर्टी को अपलिफ्ट करने में भारत में राजस्थान का जो परफॉर्मेंस है, वो जी दूसरे स्टेट जो बहुत ही रिच हैं अपने जी रिसोर्सेज की दृष्टि से, उनकी तुलना में भी काफी अच्छा रहा है। इसलिए मैं बहुत आशान्वित हूँ कि राजस्थान में जिस प्रकार का माहौल है, जनता और सरकार के समन्वय को लेकर के, और यहाँ स्वयंसेवी संगठन है, यहाँ की जो सोसाइटी है, और यहाँ की जो सोसाइटी और व्यवस्था के जो विभिन्न अंग हैं, उनकी सक्रियता को दृष्टिगत रखते हुए हम पावर्टी में भी, हंगर में भी, और खासतौर से शिक्षा में जी बहुत अच्छी बिल्कुल स्थिति में होंगे। शिक्षा में तो राजस्थान की स्थिति, अभी जो आंकड़े आए हैं, उसमें दूसरी और तीसरी स्थिति है, जो अलग अलग पैरामीटर है उसमें, और कई जी सारे और जो क्षेत्र हैं उसमें तो हम प्रथम स्थान पर है क्वालिटी को खासतौर से लेकर के, तो राजस्थान को लेकर बिल्कुल बहुत आशान्वित है। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर जैसा आपने शिक्षा का जिक्र किया, तो अभी मैं कुछ देर पहले ही राजस्थान को लेकर कुछ
डेटास निकाल रही थी, उसमें ये निकल के आया, एक झालावाड़ करके कोई जगह है सर, आपको बताओ। झालावाड़। जी, तो वहां पर 4 साल से एक सरकारी स्कूल की हालत ऐसी पड़ी हुई है कि जो बच्चे जा रहे हैं उनके पास छत भी नहीं है, मतलब बिना छत के वो वहां पर पढ़ रहे हैं, और लगभग पिछले 4 साल से वो ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो मेरा ये कहना है कि जब हम अच्छी शिक्षा की बात कर रहे हैं 2030 तक, तो क्या सरकार सरकारी स्कूलों पर भी ध्यान नहीं दे पा रही है? क्या सरकार के पास इतना भी समय नहीं है, और जो अधिकारी हैं उनके पास इतना भी समय नहीं है कि सरकारी स्कूल में छत डलवा दें? नहीं, सामान्य तौर पर ऐसी स्थिति नहीं है। एक्सेप्शनली अगर किसी एक कोई स्थान की आप जो बात कह रहे हैं उसके पीछे क्या जी कारण है और तथ्यात्मक स्थिति क्या है वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन आम तौर पर देखिए राजस्थान में एक तो जो एक्सेस है, यूनिवर्सल एक्सेस है एजुकेशन का, उसको लेकर के बहुत जबरदस्त काम हुआ है। आज राजस्थान में हर 1.5 किलोमीटर पर कम से कम जी स्कूल एजुकेशन के लिए, पर बच्चे को पढ़ने के लिए एक एजुकेशनल फैसिलिटी अवेलेबल है, चाहे स्कूल हो चाहे स्कूल की जो वैकल्पिक व्यवस्था है या जो सेंटर्स हैं वो हो। दूसरी जो बात क्वालिटी की है, तो क्वालिटी को लेकर तो अभी भारत सरकार के बहुत सारे सर्वे हुए हैं ऑल इंडिया लेवल जी पर, तो उसमें राजस्थान की स्थिति बहुत है। लेकिन अभी समग्र शिक्षा अभियान और इसके पहले सर्व शिक्षा अभियान यहाँ क्या पूरे देश में चल रहा है, तो राजस्थान में सर्व शिक्षा और समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूलों में नहीं है तो एक जी स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्ड एक बना करके कि मिनिमम लेवल पर एक स्कूल में इतनी फैसिलिटी, इतने कक्षा कक्ष और इतने जो है ड्रिंक में स्वस्थ पीने के लिए पानी और उनके जी हेल्थ हाइजीन और शौचालय आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो व्यवस्था सरकार कर रही है, वो जनता की भागीदारी भी उसमें सुनिश्चित करने के लिए यहाँ विद्यालय प्रबंधन समिति है और विद्यालय विकास समितियां वो गठित की गई है, तो यहाँ प्रयास किए बिल्कुल जा रहे हैं। आप जो मुझे बता रही हैं तो उसके बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि राजस्थान में ऐसे कुछ 2-3 साल पहले ऐसे स्कूल जो बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं थे और एक ही लोकेलिटी में कई सारे स्कूल थे, तो उन स्कूलों को मर्ज करने का यहाँ प्रयास किया गया था ताकि एक ही स्थान पर मैक्सिमम जो है क्वालिटी एजुकेशन देने के प्रयास किया जाए। तो कोई अगर ऐसा स्कूल हो सकता है कि वहां से उसको शिफ्ट करके एक बड़े स्कूल के साथ या ज्यादा फैसिलिटी हो उसके साथ मर्ज कर दिया गया ये हो। सर अभी 9 अगस्त की ही वो रिपोर्ट है। मैं आपको नाम भी बता देती हूँ स्कूल का, मोतीपुरा वो एक्चुअली सरकारी वहाँ स्कूल वो जो भी स्पेसिफिक उस स्कूल को लेकर के मेरे पास है। ऐसी कोई जानकारी नहीं है बिल्कुल, और मतलब उसके इसका बारे में मेरे कहने को का मतलब ये ज्यादा। सर कि अगर स्कूलों की हालात ऐसी बनी हुई है तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसमें एक सवाल सर बिल्कुल आ रहा है, जैसे आप बार बार ऐसा जिक्र कर रहे हैं कि आम आदमी का भी इसमें योगदान होना चाहिए, तो एक आम आदमी कैसे इसमें योगदान कर पाएगा? जैसे जो लक्ष्य है उनको हासिल करने में आम आदमी का ऐसा क्या योगदान रहेगा, ऐसा आम आदमी क्या कर सकता है दर्शकों देखिए को, ये आप बिल्कुल बता सकते आम हैं। आदमी के जो शिक्षा को लेकर के आम आदमी की जो भूमिका है वो 3-4 तरह से है। सबसे जी पहले भूमिका तो ये है कि वो अपने जो उसका वास स्थान है, उसका गांव या उसका जहां वो रहता है, वार्ड है या गांव है या ढाणी है, तो ये जी देखे कोई भी बच्चा ऐसा शिक्षा के बाहर नामांकित नहीं हो, स्कूल से बाहर नहीं हो जो कम से कम 6 से 14 साल का बच्चा है। तो सबसे जी पहले उसका यह होता है कि वो अपने गांव में एक जन ऐसे प्रयास, राजस्थान में लोक जुम्बी से एक परियोजना हुआ करती थी पहले, उसके जी माध्यम से हुए हैं, उसके बाद में ये जो बहुत सारी योजनाएं उसके बाद चली उनके माध्यम से हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि गांव का कोई भी बच्चा हो जो स्कूल जाने योग्य है उसको स्कूल में नामांकित करवाएं। दूसरा ये जी है कि वो नियमित स्कूल में जाकर के विजिट करके देखें कि वहाँ जो शिक्षा हो रही है वो शिक्षा क्वालिटी की हो रही है या नहीं हो रही है। तीसरा जो बिल्कुल महत्वपूर्ण जो जो उनका जो भूमिका हो सकती है, और राजस्थान में जो भामाशाहों की भूमि है ये, और यहाँ हर साल भामाशाहों का एक सम्मेलन भी होता है, तो उस सम्मेलन में जी कभी आप देखेंगे, हम लोग तो हर साल देखते ही हैं कि लोग किस तरह से जो है स्कूलों के भौतिक विकास को लेकर के, जमीन आवंटन को लेकर के, भूमि आवंटन को लेकर के और उनके भवन निर्माण को लेकर के और उनमें विभिन्न प्रकार की जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको दान देने के लिए किस तरह से आगे आते हैं। तो ये तो कहीं अगर कोई ऐसी समस्या होती है तो विद्यालय प्रबंधन समिति है जिसमें गांव का आम आदमी होता है, वहाँ के जनप्रतिनिधि होते हैं, तो जी उनको आगे आकर के सरकार के ध्यान में लाना चाहिए या जो भी वहाँ सरकारी मिशनरी उसको बताना चाहिए और खुद भी उसमें क्या छोटा मोटा योगदान कर सकते हैं वो करके उस समस्या का समाधान करना चाहिए। आपने एक एक इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगा कि
कि जब आपने जो 2030 के भारत के जो हमारे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जी इनको लेकर के जो सपना देखने की बात कही है, ये सपना जी साकार तभी होगा जब इस सपने को सरकार के साथ साथ आम आदमी भी देखना शुरू करेगा। बिल्कुल बिल्कुल आम सही कह आदमी रहे हो, के आम बिल्कुल आदमी का ये सपना जो है सपना नहीं बनेगा, तब तक मात्र जो है सरकारों के सरकारी प्रयास से हम बहुत ज्यादा स्थिति को परिवर्तित नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, आप ये बात बिल्कुल बहुत सही कही कि ये जो सपना है वो तभी साकार होगा जब सरकार के साथ आम आदमी भी साथ साथ चलेगा। लेकिन एक चीज, गांव में जो स्कूल को लेकर और गांव में शिक्षा को लेकर, गांव के बच्चों को लेकर जो आपने अभी जिक्र किया है, एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी तो एक चीज देखी गई है, क्योंकि राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में अर्बन एरियाज के कंपेयर में रूरल एरियाज में पॉवर्टी का जो रेशियो है वो ज्यादा है। और दूसरी चीज ये कि रूरल एरियाज में क्योंकि बहुत सारा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी, लैक ऑफ वाटर स्कैसिटी, इन सब वजहों से लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, तो एक समस्या बनी हुई है, अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, क्योंकि गांव की स्थिति देखिए, जो भी है, लोग गांव छोड़ छोड़ कर शहर में बस रहे हैं और पॉवर्टी में चेंजेस नहीं आ रहे। नहीं, अर्बनाइजेशन हो रहा है ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन है, और ये एक ऐसा फिनोमिनन है कि जब गांव से लोग विभिन्न कारणों से शहरों की ओर पलायन करते हैं रोजगार के लिए या अपने बच्चों की जी बेहतर शिक्षा के लिए या अच्छे स्वास्थ्य के लिए या विभिन्न प्रकार की सुविधाओं की जी को जो है इंटरटेन करने के लिए, ये दो तीन चार पांच कारण होते हैं या सुरक्षा की वजह से कई सारे कारण होते हैं, तो उससे थोड़ा सा ये तो बात ये एक फिनोमेना है। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँ, रिपोर्ट आपकी हो सकती है कि जैसे पश्चिमी राजस्थान है वहां पूरा डेजर्ट इलाका है, ये पूरा डेजर्ट वाला पार्ट है, वहां अब जी सरकार के स्तर पर जैसे वहां जो इंदिरा गांधी नहर है जिसके माध्यम से वहां सिंचाई बहुत बड़े स्तर पर हो रही है, वहां जो जी डेजर्ट पड़ा हुआ था उसको विकसित करने की बात हो रही है, पशुपालन जो वहां था उसको लेकर के बहुत सारी सरकार की योजनाएं चल रही है, और इसके अलावा जो नरेगा की स्कीम्स हैं वो चल रही हैं, और बहुत सारी ऐसी सरकार की स्कीम है जिनके माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि गांव के आदमी को गांव में ही रोजगार मिल जाए, ताकि वो गांव के संसाधनों का सदुपयोग करके वो वहां रहने की कोशिश में हो। लेकिन वो तब रहेगा जब उसको उसको शिक्षा उसके बच्चों के लिए वहां सुविधाएं होंगी, वहां उसको बेहतर जो है स्वास्थ्य होगा, वहां उसकी बिल्कुल आजीविका के लिए जो है संसाधन होंगे। तो वो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कोई राजस्थान का फिनोमेना नहीं है, ये पूरे कंट्री वाइड जो है ये एक स्थिति है बिल्कुल कि शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है और गांव से लोग पलायन कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार का और समाज को ये देखना होगा कि गांव में जो उपलब्ध संसाधन है उनका जी एक्सप्लोरेशन करके किस तरह से हम गांव के आदमी को वो सब सुविधाएं वहीं उपलब्ध करा दें, शिक्षा के क्षेत्र बिल्कुल में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, राजस्थान में बहुत अच्छा काम हुआ है। बिल्कुल सर, पश्चिमी राजस्थान की आपने बात कही, एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी पश्चिमी राजस्थान की, चाइल्ड ट्रेडिंग के मामले काफी ज्यादा वहां सामने आते हैं, क्योंकि गरीबी के कारण जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अपने बच्चे को अमीर लोगों को बेच देते हैं। लगभग पिछले 1 साल में 7 केसेस सामने आए हैं, ऑफिशियली ये रिकॉर्ड हुआ है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया पार्लियामेंट में। नहीं, वही आप मैं कह रहा हूँ, देखिए जो जो राजस्थान के संदर्भ में जो भी आपको समस्याएं या मुद्दे उठा रहे हैं वो राजस्थान के मुद्दे नहीं है, ये चाइल्ड ट्रेडिंग का जो मुद्दा है या इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं ये घटनाएं कोई एक स्टेट की या किसी एक क्षेत्र की नहीं है, ये तो पूरे एक देश में ह्यूमन सोसाइटी का फिनोमेनन है और एक ग्लोबल बिल्कुल फिनोमेनन है, और इंडिया में ही क्या दुनिया के हर देश में ये चीजें हैं, राजस्थान में बिल्कुल क्यों, बिल्कुल हमारे सर, हम कारण बिल्कुल क्या है? मुद्दे से अलग बात करें, 2030 के लक्ष्यों की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो जिस तरीके से आपने बताया कि गांव को डेवलप होना चाहिए, गांव में अगर सारी सुविधाएं रहेंगी तो लोग गांव से शहर नहीं जाएंगे, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर कि गांव की अगर हम बात करें, तो अभी भी आपने देखा होगा, कहा जाता है ना कि गांव सबसे महत्वपूर्ण है भारत देश के लिए, गांव और किसान, खेती, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं, और इन पर ध्यान हमेशा से कम दिया गया है। भले सरकारें जरूर दावा करती हैं कि किसानों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आप खुद देखेंगे, गौर करेंगे, कोई भी किसान खुश नजर नहीं आता है। तो कैसे गांव में चीजें सही हो, आप गांव के सरकारी स्कूलों को देखिए, 10वीं से ज्यादा तो स्कूल भी नहीं पाए जाते हैं कई गांव में, तो आखिर कैसे इन चीजों पर काम होगा, किस तरीके से गवर्नमेंट काम कर पाएगी, क्योंकि
काम अगर अभी से चालू नहीं होगा तो 2030 बहुत ही करीब आ चुका है, इसलिए शायद 2047 की भी बात होने लगती है। देखिए, मैं आपकी जानकारी में ये बात लाऊं कि राजस्थान एक पैसा पहला स्टेट है जी जिसने हर ग्राम पंचायत स्तर पर, राजस्थान के हर ग्राम पंचायत स्तर पर सीनियर सेकेंडरी लेवल का स्कूल जो है वो संचालित है। आप भी कह रहे हैं कि सेकेंडरी नहीं है, लेकिन अब यहाँ एक पैरामीटर बना दिया गया है कि जो भी ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर है, जहाँ ग्राम जी पंचायत हेडक्वार्टर होगा वहां का स्कूल जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, बहुत और जो अच्छी सेकेंडरी पहल है सर, लेकिन अभी स्कूल है इनिशिएटिव हुआ है, मेरे ख्याल से अमल करने में देरी इनिशिएटिव है। लगेगी। अब आप देखिए, अब वो एक इनिशिएटिव लेकर के अब वहां जो भी कमियां हैं, वहां स्टाफ को लेकर के हैं, बिल्डिंग को लेकर के हैं, वो सब जी चीजों को लेकर के हैं, वो सब प्रयास किए जा रहे हैं। कम से कम अब हाँ ये है कि उस ग्राम पंचायत के किसी बच्चे को या किसी बच्ची को दूसरी किसी ग्राम पंचायत में, पास के किसी कस्बे में या किसी शहर में जो है, उच्च एग्जैक्टली शिक्षा के लिए या आगे की कक्षा के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये एक अच्छा काम यहाँ हुआ है। अब दूसरी करेक्ट बात, करेक्ट कहीं गांव में कैसे लोग पलायन होकर जाए, तो देखिए, जब तक हम कृषि को, वहां पशुपालन को, वो गांव में सबसे बड़ा ये कि गांव में जो परंपरागत आर्टिजन होते हैं, कोई ना कोई हुनर होता है वहां, एक गांव जी है या एक पर्टिकुलर क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र का, वहां के लोग उनकी मतलब पीढ़ियों से किसी न किसी एक परंपरागत कार्य से जुड़े हुए हैं। वो किसी आर्ट से, किसी उद्योग से, किसी छोटे मोटे एक स्मॉल स्केल लेवल इंडस्ट्रीज होती हैं उससे जुड़े हुए हैं, तो जी उनको उनके क्लस्टर बना करके और उन पर्टिकुलर एरियाज को आइडेंटिफाई करके, और वो जो उनका आर्ट आर्ट्स है, जो उनके पास वो हुनर है, उस हुनर को जी विकसित करके, प्रशिक्षित करके, उनकी फंडिंग और मार्केटिंग करके उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और ये बिल्कुल राजस्थान के बिल्कुल कई गांव में हुआ है। इसे वहां से मैं आपको बताऊं, मेवात एक इलाका है इधर राजस्थान का पश्चिम में हुआ है, वहां गांव में जो जी छोटी छोटी चीजें बनती हैं, तो स्वयं सहायता जी समूह के माध्यम से उन छोटी छोटी चीजों को बनाया जाता है, और बहुत सी स्वयं बिल्कुल सेवी संस्थाएं ऐसी हैं जो उन चीजों को वहां से बनवा करके और जी विदेशों तक में जो है उसको वो एक्सपोर्ट करेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल वो हाँ एक सर चीजें, जी एक संसाधन जहां है उन भौतिक संसाधनों का, वहां जो मानवीय संसाधन है उनके साथ उसको जो है चैनलाइज करने की जरूरत है, और गवर्नमेंट की तरफ बिल्कुल से फैसिलिटेट करने की जरूरत है, जो गवर्नमेंट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आप शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, मतलब आपके जहन में एक चीज है कि शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मैं अगर गलत नहीं हूं तो अलीगढ़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपकी पढ़ाई हुई है, राइट? जी मैं एक चीज सर इसमें जानना चाहती हूँ, क्योंकि माइनॉरिटी सेक्शन को आप बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी सेक्शन में आते हैं, और माइनॉरिटी सेक्शन में ये पाया गया है कि जो माइनॉरिटी सेक्शन में स्पेशली जो मुस्लिम्स हैं उनमें शिक्षा का स्तर नीचे है। सिख जैन जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे चले जा रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय है उनमें शिक्षा की कमी देखी गई है, और शिक्षा की कमी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है और गरीबी भी ज्यादा है। तो आखिर ऐसा समाज में क्यों देखने को मिल रहा है, क्यों मुस्लिम्स नहीं आगे पढ़ लिख पा रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशंस पे भी बैठे हुए हैं, लेकिन अगर कंडीशन देखी जाए तो ज्यादा क्वांटिटी में जो है वो गरीबी दर में आ रहे हैं, या फिर उनको सही से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, या फिर वो सही से खान पान नहीं हो पा रहा है। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब है शिक्षा नहीं रहेगी तो लाइफस्टाइल भी उस हिसाब से डेवलप नहीं हो पाएगी। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय है, खासतौर से मुस्लिम समुदाय है, वो जी शिक्षा की दृष्टि से अन्य जो हमारे वर्ग हैं, जो समूह हैं, जाति हैं या समुदाय हैं, उनकी तुलना में काफी पिछड़ा हुआ रहा है। अभी नहीं, शुरू से ही रहा है वो, और उसके बहुत सारे ऐतिहासिक कारण हैं, उनमें जी अपन जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मुसलमानों में शैक्षिक पिछड़ापन है। लेकिन जी बहुत अच्छी बात यह है कि मैं लंबे टाइम से अल्पसंख्यकों के शैक्षिक उत्थान की विभिन्न जो कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, विभिन्न जी जो है सरगर्मियां हैं, उनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं उसकी अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि पिछले 25-30 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो लोगों में जी जागृति आई है, जो लोगों में बेदारी आई है, और ये भाव पैदा हुआ है कि मैं चाहे आधा एक वक्त की रोटी खा लूंगा, आधी रोटी खा लूंगा, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा, तो ये बिल्कुल भावना, ये माहौल बना है, तो ये एक बहुत ही हमारे लिए खुशाइन पहलू है, और ये एक अच्छे भविष्य की ओर संकेत करता है। लेकिन अभी बिल्कुल बालिका शिक्षा को लेकर के जो है बहुत समस्या रही है,
लेकिन पिछले 8-10 साल में जिस प्रकार से पूरा समाज बदला है, तो जब समाज बदलेगा, पड़ोस बदलेगा, उसके साथी बदलेंगे, तो फिर उस बदलाव को देख करके हर कोई प्रेरित होता है और उस परिवर्तन से, उस बदलाव से उसके जीवन में जो परिवर्तन आता है, जो उसके जीवन में जो सुधार आता है, वो उसको प्रेरणा देता है। जी तो निश्चित तौर पर अभी जो है राजस्थान के संदर्भ में कह सकता हूँ कि यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय में, खासतौर से मुसलमानों में, शिक्षा को लेकर बहुत जागरूकता है। सरकार की जी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको में वो खूब लाभ उठा रहे हैं। जैसे अभी मैं जिस उदाहरण की बात कर रहा आपको हूँ, यहाँ पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि मुसलमान समुदाय में शिक्षा को लेकर बहुत जागरूकता है, अगर ऐसा है तो फिर सिर्फ 2% मुस्लिम यूथ ही क्यों हायर एजुकेशन गेन कर रहे हैं? और ये रिपोर्ट AIMIM के जो प्रेसिडेंट है असदुद्दीन ओवैसी जी, उन्होंने ये एक रिपोर्ट जारी की थी पिछले साल। उस रिपोर्ट में ये चीज मेंशन है कि राजस्थान 2% मुस्लिम यूथ ही हायर एजुकेशन गेन कर रहे हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने आपको कहा ना कि जैसे स्कूल में बच्चा आता है, स्कूल से वो जब बच्चा मिडिल लेवल से जब सेकेंडरी में जाएगा, सीनियर सेकेंडरी में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, तो ड्रॉप आउट है, वो ड्रॉप आउट है, इसमें कोई शक नहीं है। वो ये ड्रॉप आउट सभी में है, लेकिन अल्पसंख्यकों में अपेक्षा के लिए ज्यादा है। उसकी 3 वजह है। पहली वजह तो ये है कि बालिका शिक्षा में की वजह से ये माता पिता कहीं ना कहीं जो है 8वीं के बाद आगे बच्ची को नहीं पढ़ाते, 10वीं के बाद आगे नहीं पढ़ाते, 12th के बाद हायर एजुकेशन में नहीं भेजते। तो एक तो वो जो आगे जाकर के स्नातक लेवल पर या MA के लेवल पर जो बच्चों की संख्या कम हो जाती है, जो कम पहुंच रहे हैं, उसकी एक वजह ये कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाली बात है। तो मैं वही बात आपको बता रहा था, जिस विभाग में मैं काम कर रहा हूँ, उस विभाग ने अभी आवासीय विद्यालय संचालित किए हैं, बालिकाओं के लिए चला रहे हैं। तो जी ऐसे सरकार के बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, बहुत सारी प्रोत्साहन योजनाएं हैं, जो बच्चियां अच्छे नंबर लेके आ रही हैं उनको सरकार बिल्कुल स्कूटी दे रही है, उनके प्रोत्साहन के लिए स्कॉलरशिप उनको दी जा रही है। तो बिल्कुल वो स्थिति में जो है वो बढ़ भी नहीं है, बहुत तेजी के साथ वो जो ड्रॉप आउट है वो कम हो जी रहा है। और वो जो आप देखिए, पहले 1 या 1.5% लोग वहाँ MA या मतलब BA के लेवल तक पहुंचते थे। आज जो बिल्कुल लेटेस्ट अगर डाटा की मैं बात करूं, ऐसा कोई अथॉरिटी डाटा नहीं है, लेकिन जैसा हमारा अनुभव है, हम अलग अलग इस तरह से लेते रहते हैं, तो वो जी बढ़कर कई गुना ज्यादा हो गया है। अब बिल्कुल वो बिल्कुल नहीं यहाँ है। पर बिल्कुल आप क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी एंड वक्फ से बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल आप स्पेसिफिक इन सब चीजों को लेकर काफी ध्यान में चीजें होंगी आपके, और आप लोग इस पर काम भी कर रहे होंगे। एक आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि समय काफी कम बचा हुआ है, तो एक आखिरी सवाल मैं उसका जवाब आपसे चाहूंगी कि आप बिल्कुल माइनॉरिटीज के लिए और वक्फ उसमें है, डिपार्टमेंट में है, तो काम आपका जारी है, लेकिन 2030 के भारत में गरीबी, शिक्षा और भुखमरी के क्षेत्र में मैं आपकी तरफ से क्या योगदान समझ सकती हूँ कि आप इसमें क्या ऐसा करेंगे कि आपका, क्योंकि आपने कहा ना कि हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है, अगर लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो सिर्फ सरकार नहीं, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, तो आपकी तरफ से ऐसा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हम समझ एक सकते हैं? नागरिक के रूप में सबसे पहले जिम्मेदारी मेरी होती है कि मैं ये देखूं कि मेरे आस पड़ोस में कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है किसी परिवार का या किसी गरीब परिवार का कि जो स्कूल नहीं जा रहा है। ये मेरा सबसे बड़ा नैतिक दायित्व है। बिल्कुल और अगर मुझे लगता है कि कोई बच्चा है जो, या कोई खासतौर से बच्ची है जिसको उसके माता पिता नहीं भेज रहे हैं, तो मुझे उसके घर जा करके और उसको प्रेरित करना चाहिए कि देखिए मैं पढ़ लिख करके आगे आया हूँ, वो दूसरा पड़ोसी आगे आया है, आप अपनी बच्ची को भेजिए और उसको आप बिल्कुल रास्ता बताइए। वो कह रहा है कि हम सिर्फ उसको प्रेरित करते हैं लेकिन उसको रास्ता नहीं बताते। तो नागरिक के तौर पर मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं कहूँ कि आपकी ये बच्ची है, ये फला स्कूल में, फला क्लास में, फला सरकारी योजनाओं के माध्यम से या विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से, या जो सुविधाएं उपलब्ध है उनका आप ऐसे फायदा उठा सकते हैं। ये बिल्कुल नागरिक के तौर पर अगर हर आदमी, जैसे हर आदमी ने एक लक्ष्य दिया कि हर आदमी पेड़ लगाएगा, जी वैसे ही हर आदमी अगर ये सोचे कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, एक बच्चे को, तो मैं एक दूसरे के बच्चे को भी पढ़ाऊंगा। जी और अभी राजस्थान में तो एक मतलब सामाजिक क्षेत्र पर ये काफी पहल हो रही है, खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय में गोद लेने की। जैसे मेरा बच्चा अगर हायर एजुकेशन में पढ़ रहा है, तो मैंने देखा कि मैं अब एक संकल्प लेता हूँ कि मैं एक दूसरे बच्चे को जो आस पड़ोस का कहीं का है, उसको मैं जी आइडेंटिफाई करके उसको गोद लेकर के आगे तक पढ़ाऊँ। बहुत से प्रतिभावान बच्चे हैं। दूसरी बिल्कुल बात ये बिल्कुल कि रोजगार के ताल्लुक से ये बात है, सरकारी स्कीमें बहुत सारी हैं, आस पड़ोस गरीब लोग हैं, उनको पता ही नहीं सरकार की क्या योजना है। तो हम लोगों का शिक्षित और शिक्षित नागरिक होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती जी है। तो
हूँ वो उन सरकारी योजनाओं के बारे में बताएं। और हर नागरिक अपना जैसे घर परिवार को चलाने के लिए एक टारगेट फिक्स करता है, वैसे ही सामाजिक सेवा के क्षेत्र में वो पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए, एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए, या कोई आस पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं सो गया है, बिल्कुल कोई बिल्कुल आदमी तो नहीं सो गया है, ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करें कि वो कोई आदमी भूखा नहीं सोए। तो ये करेक्ट नागरिक करेक्ट करेंगे तो निश्चित रूप से काम बिल्कुल। आएगा। आपकी आपका जो ये इनिशिएटिव है, खुद पर्सनली जो आपने ये सारी चीजें बताई, अगर ये भारत देश के हर एक नागरिक के अंदर आ गया तो 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 2030 में लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएंगे, इसलिए सरकार 2047 का जिक्र बार बार कर रही है। लेकिन अगर हर एक नागरिक के अंदर अगर ये जागरूकता आ गई कि हमको भी इसमें योगदान करना है, तभी लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। जैसा आपने बताया, स्कूलों को लेकर कोई भूखा सो रहा है उस पे अपना कंट्रीब्यूशन कर दें, यानी कि जो सक्षम है वो तो जरूर आगे आके और इन लक्ष्यों की प्राप्ति करवा सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत कुछ आपने बताया। इसमें ये समझ में आया कि कुल मिलाकर कि भारत देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि अगर भारत देश को एक सक्षम जगह पर देखना है, एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में देखना है, तो सभी नागरिक, एक एक नागरिक की जिम्मेदारी यहाँ पर अहम होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। Thank you.